नहीं हो रहा है। हाँ नहीं अभी कर रहा हूँ, डोंट वरी। अभी आप लोग का इंडिपेंडेंट रिकॉर्डिंग लोड हो जाएगा क्लास में, क्योंकि अभी 12th वाले इसमें नहीं होंगे ना। चलिए, सो नाउ वी विल स्टार्ट दी केल्विन साइकिल। ओके, तो अभी हम लोग रुबिस्को का पहला वर्क पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। फिर हम रुबिस्को का दूसरा एबे नहीं मु ये कला पर है दोहा ओके क्लास में ओके एबे हम लोग जो है रुबिस्को का फर्स्ट काम करेंगे, दैट इज कार्बोक्सिलेशन। नाउ उसके बाद एक और टेंशन आएगा, दैट इज कॉल्ड फोटो ऑक्सीडेशन। तो वो जो है दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ रुबिस्को, तो उसका वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हम पढ़ेंगे। तो इसलिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, डार्क रिएक्शन, और दिस इज बेसिकली कॉल्ड द मेल्विन कैल्विन साइकिल। ओके, मेल्विन कैल्विन एंड उसमें बेंसन भी हैं। तो मेल्विन कैल्विन एपोस्ट्रोफी एस, इसको हम लोग कैल्विन बेंसन साइकिल भी बोलेंगे, कैल्विन बेंसन साइकिल, और इसको हम लोग C3 पाथवे भी बोल सकते हैं। वाई C3 पाथवे, बिकॉज इसका जो फर्स्ट इंटरमीडिएट है वो C3 पास कार्बन 3 होता है। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड C3 साइकिल। नाउ बेसिकली वेयर डज इट अकर, तो साइट ऑफ C3 साइकिल इज द क्या, साइट ऑफ C3 साइकिल इज द मेसोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट्स। तो ऑलवेज याद रखिए, जिस प्लांट में C3 साइकिल चलता है उनको हम C3 प्लांट्स बोलते हैं। ओके, तो C3 प्लांट्स में वेयर इज योर क्लोरोप्लास्ट लाइंग, इन द मेसोफिल सेल्स। तो साइट ऑफ C3 साइकिल इज द क्या, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच लाइज इन द क्या, विच लाइज इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट्स। तो इसको हम लोग अगर डिटेल में देखें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो साइट 3 ऑफ C3 साइकिल इज मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच लाइज इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट्स। ठीक है, तो इसीलिए अब हम लोग एक पाथवे बनाएंगे। सो इन केस ऑफ पाथवे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए सर्कल। ओके, तो ये पाथवे आपका सर्कुलर है, तो इसलिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। नाउ उसके अंदर हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, एग्जैक्टली उसके बीच में रखेंगे। नाउ इस सर्कल को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली जो C3 साइकिल है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो वी विल ड्रॉ वन पाई सेक्शन लाइक दिस, ओके, अनदर पाई सेक्शन लाइक दिस, एंड अनदर पाई सेक्शन लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा 3 स्टेजेस ऑफ C3 साइकिल है। तो आपको मालूम है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज कॉल्ड। ओके, तो फर्स्ट स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं C3 साइकिल में, बताइए, फिक्सेशन ऑफ CO2। ओके, सेकेंड इज रिडक्शन। तो इसलिए फर्स्ट स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्सेशन ऑफ CO2। तो इसलिए ये हमारा स्टेज 1 है। ओके, दिस इज योर स्टेज 2 एंड दिस इज योर स्टेज
क्या है? थ्री। तो स्टेज वन हमारा क्या है? सो दिस इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ CO2। ओके, तो ये इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, मींस एटमॉस्फेयर से लाकर एक केमिकल के रूप में उसको बांध देते हैं। सेकेंड जो स्टेप है इसको हम लोग कहते हैं रीजेनरेट, क्या सॉरी, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सेकेंड स्टेप जो है वो रिडक्शन है, रिडक्शन यूजिंग क्या? NADPH। ओके, तो जो NADPH आपका बनता है उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। एंड जो थर्ड स्टेप है ये रीजेनरेशन स्टेप है, सो दिस इज कॉल्ड रीजेनरेशन ऑफ RUBP। ठीक है, सो थर्ड स्टेज जो है इसको हम लोग रीजेनरेशन ऑफ RUBP कहेंगे। क्लियर? सो इज दिस बेसिक क्लियर? तो नाउ, तो जब साइकिल हम लोग शुरू करेंगे तो हम लोग अभी वन साइकिल करेंगे। ओके, एक साइकिल। तो जब आप एक साइकिल करेंगे तो यहां हमारा कौन सा कंपाउंड है? ओके, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट? राइब्यूलोज बिस्फॉस्फेट। ओके, तो इधर हम लोग एक कंपाउंड लेंगे एंड उसका नाम क्या लिखेंगे? RUBP। दिस इज योर राइब्यूलोज बिस्फॉस्फेट। ओके, ना ये जो राइब्यूलोज बिस्फॉस्फेट है आपका, ये पेंटोज इंटरमीडिएट है। ओके, तो ये एक पेंटोज है आप जानते हो, एंड पेंटोज का मतलब क्या है? इसमें फाइव कार्बन होता है, ब्रैकेट में हम लिख देंगे फाइव कार्बन। अंडरस्टैंड? तो ये आपका पेंटोज है फाइव कार्बन वाला। ठीक है, सो दिस इज योर RUBP। नाउ अब हम लोग लाएंगे क्या? अब हम लोग लाएंगे CO2। तो एटमॉस्फेयर से क्या लेकर आएंगे? CO2। तो दिस इज CO2। तो ये लेकर आए तो CO2 में कितना कार्बन है? एक कार्बन। सो दैट इज व्हाई वन CO2 प्लस वन RUBP विल बिकम आपका क्या? तो ये फाइव प्लस वन सिक्स, तो सिक्स बन जाएगा टू PGA। ओके, सो यहां हम लोग क्या बनाएंगे? इधर बनाएंगे। क्लियर? सो हियर वी विल मेक टू इंटू PGA। ये जो PGA है ये थ्री कार्बन कंपाउंड होता है, समझ रहे हो? सो ये आपका दो ठो PGA बनेगा, विच इज थ्री कार्बन कंपाउंड। नाउ व्हाट इज PGA? तो उसको बनाएंगे हम लोग, तो PGA को हम लोग क्या कहते हैं? थ्री फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, थ्री फॉस्फोग्लिसरेट, या आप उसको ग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हो। अंडरस्टैंड? आप इसको थ्री फॉस्फोग्लिसरेट बोल सकते हैं या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हो। ग्लिसरेट आयोनिक फॉर्म है, एसिड जो है वो एसिड फॉर्म होगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट। तो सिंस ये थ्री कार्बन प्रोडक्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं C3 साइकिल। अंडरस्टैंड? नाउ ये जो फॉस्फोग्लिसरेट है इसको अब हम लोग फॉस्फोरिलेट करेंगे एंड एक और फॉस्फेट उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको उसको धीरे धीरे हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो इसलिए आप नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इधर
सो इधर हम बनाएंगे 1-3 बीपीजी, ओके, अगेन दो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 1.3 हाइफ़न बीपीजी, तो ये भी ब्रैकेट में 3 कार्बन कंपाउंड है, ओके, सो दिस इज ए 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सो नाउ ये जो आपका 1-3 बीपीजी है, ये आपका क्या हो गया, सो दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, मतलब आर पानी रख दिया, क्लियर। सो ये आपका हो गया 1-3 आर ओ सोडा, सो ओके 1-3 बीपीजी। सो अगेन बिस फॉस्फो ग्लिसरेट, ओके, तो इसमें हम एक लगा देंगे, तो इसका फुल फॉर्म क्या है उसको लिखेंगे नीचे। सो इसका फुल फॉर्म है 1.3 हाइफ़न बिस फॉस्फो, बिस को हम स्मॉल भी लिखते हैं, बिस फॉस्फो ग्लिसरेट, ओके, सो दिस इज कॉल्ड 1-3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। एंड ये जो 1-3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट है, ये क्या है, ये आपका अगेन 3 कार्बन कंपाउंड है, उसमें एसिड ग्रुप होगा, इट इज एन एसिड, तो इसीलिए हमको क्या देना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको फॉस्फेट देना पड़ेगा, ओके, सो हियर तो हम लोग उसको देंगे क्या, एटीपी, ओके, सो नाउ वी विल गिव दिस एटीपी, ओके, कितना एटीपी देंगे, तो आपको याद है कि ये आपका पर साइकिल 2 एटीपी दिया जाएगा इधर, सो नाउ वी विल गिव 2 एटीपी एंड वी विल गेट बैक, व्हाट, वी विल गेट बैक 2 एडीपी, है कि नहीं, हम 2 एटीपी देंगे एंड 2 एडीपी वापस पाएंगे, क्यों, ये फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होता है, हमें उसको फॉस्फेट देना होता है, ठीक है। सो इसीलिए हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग इट 2 एटीपी, ओके, एंड उसमें से निकलेगा आपका 2 एडीपी, तो वो हम लोग हाथ से ड्रॉ करेंगे, सो इस तरह से आपका निकलेगा 2 एडीपी। सो अब आपका एक एक फॉस्फेट जुड़ गया, ओके, तो सो इसीलिए जो पीजीए था अब वो क्या बन गया, अब वो बन गया बीपीजी, अंडरस्टूड, तो जो पीजीए था अब वो बन गया बीपीजी, ठीक है, सो दैट इज बी कॉल्ड बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेट करेंगे, नाउ वी विल ऐड हाइड्रोजन, तो इसीलिए हमें उसको क्या देना पड़ेगा, वी हैव टू गिव NADPH2, ओके, तो अब हम उसको देंगे अगेन 2NADPH, ओके, तो जब आप 2NADPH देंगे तो आपको इन एक्सचेंज क्या मिलेगा, NAD, है कि नहीं, तो इन एक्सचेंज आपको मिलेगा 2 NAD, तो ये NAD कहाँ चला जाएगा, NAD+, सो वेयर दिस NAD+ विल गो, दिस विल गो बैक टू योर लाइट रिएक्शन, ओके, तो इसीलिए ये भी चला जाएगा कहाँ, टू लाइट रिएक्शन, एंड ये भी चला जाएगा कहाँ, टू लाइट रिएक्शन, so both of them will go to light reaction, understand, इसलिए हम लोग क्या प्रूव कर दिए हैं, that these are interdependent pathways, okay, so they will go to light reaction, बले बले, now इधर भी हम लोग उस तरह से दिखाएंगे,
कि जो दो NADPH है वो बन गया हमारा क्या 2NAD+। तो अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सो नाउ द प्रोडक्ट इज, तो नाउ व्हाट प्रोडक्ट वी विल मेक, तो प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड। ओके, सो नाउ द प्रोडक्ट विल बिकम अगेन 2। ओके, इसमें बनेगा आपको 2 Gal 3P। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो 3 Carbon। ठीक है, तो ये आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Gal 3P बनता है। नाउ व्हाट इज Gal 3P? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ओके, सो ये आपका पाथवे है। Understood? So this is your pathway. तो ये हमारा बन गया क्या ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो ये जो स्टेप्स है 2 PGA, 1 3-BPG एंड एक्चुअली दिस इज 2 3-PGA, इधर हम एक 3-PGA लिखना भूल गए। तो ये जो आपका है 2 3-PGA है। Understood? थोड़ा लंबा करेंगे इसको, फाइन। नाउ ये 2 3-PGA माने थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट है। तो नाउ दिस, ये जो स्टेप्स है, दीज स्टेप्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स ग्लाइकोलाइटिक स्टेप्स। ओके, सो इस साइड ऑफ द रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस साइड इज कॉल्ड रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस। ओके, रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारा इधर से उधर जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, 1 3-PGA, फिर 3-PGA, फिर 2-PGA, फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फिर पाइरुवेट। ओके, सो दिस इज द पाथवे ऑफ योर ग्लाइकोलाइसिस, बट यहाँ उल्टा हो रहा है। दैट इज आई टोल्ड यू ना, नाउ दीज एंजाइम्स, सो एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर यूज्ड हियर इन द क्या डे पीरियड। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि दो ये डार्क रिएक्शन है, बट ये डार्क में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वही एंजाइम्स आपका यूज होते हैं जो आपका क्या, जो आपका ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है। तो दैट इज वाई generally this part of the cycle does not take place in the dark. ho gaya, to ye hamara step hai glyceraldehyde 3 phosphate. ab isme se hum kya karenge, ek molecule ko nikalenge for food generation, baki ko wapis kar denge. understood? so now what we will do, to ye jo aapka 6 molecules hai इसको इधर वापस कर देंगे। ठीक है, सो नाउ तो इधर हमारा जो एंजाइम का नाम लिख लिया जाए, तो ये कौन सा एंजाइम करता है कैटालिसिस? दिस इज आवर रूबिस्को। ओके, तो दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय रूबिस्को एंजाइम, द वर्ल्ड्स मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, है कि नहीं? तो ये जो रूबिस्को है ये हमारा इधर यूज होता है। चलिए, सो तापरे इधर देखो, तो ये आपका 6 कार्बन है, तो यहां भी हम लोग एरो बना देंगे,
ये आया आपका चेन में, सो ये आपका ऐसे ऊपर जा रहा है, ये आपका ऐसे आ रहा है एंड ये आपका ऐसे आ रहा है। तो अब जो NADPH हमने दिया, तो इसमें से आपको हमने फॉस्फेट दिया है कि नहीं, तो जब फॉस्फेट इधर NADPH का एनर्जी दे रहे हैं तो अब आपका क्या होगा, ये 3 PGA बन गया, तो 1,3-BPG becomes 3-phosphate। इसका मतलब इधर से और भी निकलेगा क्या, फॉस्फेट, तो इधर से हमको 2-phosphate मिलेगा। अंडरस्टूड? सो हियर वी विल राइट 2 PI। अंडरस्टूड? ये समझे कि नहीं, ये जो 20-phosphate था अब ये सिर्फ फॉस्फो बन गया, इसका मतलब 2-phosphate यहाँ निकल रहा है। ओके okay, तो 2-phosphate इधर से निकल रहा है। नाउ इधर से हम निकालेंगे 1 carbon फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। तो आप कुछ भी बना सकते हो। ओके okay, तो ये 1 carbon फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड निकालेंगे एंड 5 carbon रिटर्न टू रीजेनरेट क्या RUBP। ओके तो ये जो स्टेप है ये हमारा पर साइकिल होगा। अब ये जो राइबिलोज फॉर्मेशन के लिए यहां हमें आपको क्या देना पड़ेगा, अब देखिए, तो इसमें से हमने सिर्फ 1 carbon निकाला, मतलब 1 phosphate निकलेगा है कि नहीं, सो वी विल रिमूव 1 phosphate। तब आपका क्या होगा, अब यहां हम देंगे ATP एंड यहां ये बन जाएगा ADP। ठीक है, तो यहाँ हमारा दो ग्लिसरल, टेक्निकली इधर हमारा क्या है, इसमें से 1 glyceraldehyde है एंड 1 2-carbon कंपाउंड है कि नहीं, तो हियर एक्चुअली 1 gal 3P प्लस 1 2-carbon कंपाउंड बनता है। ओके तो ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म है इसको रिजेनरेट करते हैं, हम जोड़कर फिर से RUBP बनाते हैं, उसके लिए आपका 1 ATP खर्च होगा, तो अगेन 1 ADP वापस मिलेगा। तो ये जो 1 ATP खर्च हुआ एंड ADP वापस मिला, इससे हमारा क्या हो गया, राइबुलोज 20-phosphate रिजेनरेट हो गया। अंडरस्टैंड? सो दिस साइकिल इज कॉल्ड योर C3 साइकिल। अंडरस्टैंड? सो ये हमारा C3 साइकिल है, तो इसमें कुछ नोट्स लिख लेंगे। दिस साइकिल इज रेफर्ड टू एज C3 साइकिल बिकॉज ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट 3 PGA विच हैज 3 carbon। ओके तो इसको हम लोग क्यों कहते हैं C3 साइकिल, क्योंकि इसका प्रोडक्ट है आपका 3 PGA। अंडरस्टूड? सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। नाउ दिस इज 1 point। उसके बाद पर CO2, ओके पर CO2 1 carbon इज टेकन फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय दिस साइकिल। सो इट इज सेड दैट द
CO2 is fixed as carbohydrates. समझ रहे हो? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग खाते हैं तो वो फिक्स हो जाता है. उसको बनाने के लिए पर साइकिल हमें क्या करना पड़ता है? ओके, तो पर साइकिल वी हैव टू प्रोड्यूस. ओके, सो पर साइकिल हम लोग क्या करते हैं, आपका एक कार्बन यूज करते हैं. तो ये मैंने क्यों आपको सिखाया, ताकि आप कैलकुलेशंस कर सकें. ठीक है ना? तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है पर साइकिल? ओके, एक्सपेंडिचर पर साइकिल ओके क्या है बताइए? 3 ATP प्लस 2 NADPH. अंडरस्टैंड? तो एक्सपेंडिचर पर साइकिल, या आप कह सकते हो पर CO2 फिक्स. ओके, पर CO2 फिक्स्ड इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 3 ATP प्लस 2 NADPH. ना ये हमारा डार्क रिएक्शन है. ना इससे आपका एडवांटेज क्या है बताइए? तो ये आपको कैलकुलेशन करने में मदद करेगा. ओके, तो व्हाट कैलकुलेशन में मदद करेगा? तो समझ रहे हो? तो अगर मैं आपको पूछूं कि हमें पेंटोज बनाना है तो कितना खर्चा होगा बोलो? पेंटोज, सपोज राइबोज बनाना है. प्लस 10 NADPH. समझ में आ गया? अब सपोज हमें हेप्टोज बनाएंगे, क्या खर्चा होगा? 21 ATP 14 NADPH. समझ में आया? अब सपोज हम सुक्रोज बनाएंगे, कितना खर्चा होगा? ओके, सो लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स. मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. सो हाउ मैनी साइकल्स ATP and NADPH required for synthesis of glucose. बताइए. 6 cycles, 18 ATP or 12 NADPH. फिर से जोर से बोलो, आंसर लिखेंगे. 6 cycles, 18 ATP, 12 NADPH. समझ में आ गया? तो ये आपका है उसी. अब समझ में आया मैं क्यों आपको एक साइकिल वाला सिखाया? अब सपोज हम ग्लूकोज के जगह पर सुक्रोज लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? जस्ट डबल आंसर. सुक्रोज में 12 कार्बन होगा, है कि नहीं? सुक्रोज इज 12 कार्बन ना, तो इसमें क्या आएगा? 12 साइकिल बोलो. 36 ATP 24 NADPH हो गया. उसी तरह से सपोज मैं आपको बोलूं कि हमें राइबोज बनाना है तो क्या आ जाएगा आंसर? 5 cycles 15 ATP 10 NADPH. अब समझ में आया? सो नाउ यू कैन डू क्लास वर्क्स. देख रहे हो? तो अगर हम लोग पर साइकिल इक्वेट करें तो ये कैलकुलेशन करना आसान है. बट इधर आप बोलोगे सर ये 2 3 ये क्या है, लिख दिया आपने, है कि नहीं?
उसको इसलिए लिखना पड़ता है ताकि आप पर साइकिल हिसाब कर पाए, इसलिए हम लोगों ने ये नौटंकी किया है इधर। बट अदरवाइज अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करूं, सो दिस इज द बेस्ट साइकिल वी कैन सी, है कि नहीं? तो ये जो है हमारा सबसे अच्छा साइकिल है एंड इसको याद रखना भी इजी है। तो इसने इनटू थ्री कर दिया ताकि एंड में एक ग्लिसरल्डिहाइड निकल सके, है कि नहीं? तो बाकी एवरी कंसेप्ट इज सेम, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। तो आप देख रहे हो तीन CO2 आया एंड इससे 6 PGA बना, फिर 6 ATP देने से 613 BPG बना, फिर यहाँ 6 NADPH खर्चा हुआ, तो एंड इससे आपका 6 फॉस्फेट निकला, 6 NADP+।